सुबह समय 2-3 हो चुके हैं ये राउटर को यूज़ करे हुए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर रेंज ठीक से नहीं आती है। सो घर बड़ा है तो, और राउटर की जो रेंज है वो हर कमरे में नहीं आती, इसलिए हमने दूसरा राउटर मंगा लिया। सो हमने उसी टी पी लिंक का AC 1200C6 मंगा लिया है। सो वो आज आ चुका है। सो ये है वो राउटर। सो ये जो राउटर है राइट साइड में, वो अपना पुराना है, परसों हमने मंगाया था और रेंज कम है। और लेकिन ये जो है, ये राउटर जो है, इसकी रेंज अच्छी आती है। मैंने रिव्यूज़ और अपने दोस्तों से भी पूछा। सो ये जो राउटर है ये अच्छा है, और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, इसे रिटर्न करने वाला है क्योंकि दो गलतियाँ हुई थी। एक तो जो इसका वैन पोर्ट है वो 100 Mbps तक ही सपोर्ट करता है, मतलब आपका अगर 150 या 200 Mbps होगा तो भी वो आउटपुट जो है आपका 100 Mbps आएगा। सो ये जो लिखा है 433 Mbps और 300 Mbps, ये सब झूठ है। मतलब उसका कुछ आउटपुट तो है नहीं, बस 100 Mbps तक आएगा। लेकिन ये जो राउटर है इसका जो वैन पोर्ट है वो 1000 Mbps तक सपोर्ट करता है, मतलब 1 GB तक आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए मेन रीज़न था कि इसको मंगाने का। सो लेट्स अनबॉक्स द राउटर। सो पहले बॉक्स के ऊपर AC 1200 लिखा है, मैश वायर का राउटर, और ये देख सकते हैं फुल गीगाबिट है। इसका ही मतलब है कि वैन पोर्ट जो है वो 1000 Mbps तक सपोर्ट करता है। ये इसकी तरह नहीं कि 100 Mbps उसकी लिमिट होगी। और 5 GHz पे 867 Mbps और 2.4 GHz पे 300 Mbps तक सपोर्ट करेगा। एडवांस सिक्योरिटी विथ WPA3 है और स्मार्ट रूमिंग भी है और पीछे की साइड। सो आप इसे आपका जो रेंज एक्सटेंडर है उससे कनेक्ट करके भी आप इसे पूरे घर में एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे इसकी खुद की रेंज ही अच्छी है, सो 4 BHK में आराम से हो जाएगा आपका काम। और वाईफाई रेड जोन किलर है, 1 WiFi name है, आपके जो दोनों बैंड है उसका सेम नेम होगा। अगर आपने एक्सटेंडेड यूज़ किया तो भी सेम नाम होगा, ऐसा नहीं कि वो तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। और स्मार्ट रोमिंग और अनफील मैनेजमेंट, और इसके अंदर 4 इथरनेट पोर्ट्स आते हैं। ये जो गीगाबिट या वैन पोर्ट बोलेंगे आप, ये है आपके पावर बटन और WPA बटन है, यहाँ पे रिसेट बटन आता है। सो बॉक्स खोलते हैं। सो इस राउटर को सेटअप करने के लिए आप टी पी लिंक का जो ऐप है टेथर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। सो ये रहा अपना राउटर, बॉक्स में यहाँ पे रख लेते हैं। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग के साथ आता है, अच्छे से पैक है, कोई डैमेज का सवाल नहीं। ये जो है ये अपना राउटर है, 4 एंटीनास के साथ डुअल बैंड राउटर, अच्छे से पैक है। सो इसके साथ आपको राउटर ऑफकोर्स मिलेगा, उसके बाद एक गाइड मिलेगी और एक ईथरनेट केबल, और एक एडाप्टर आपको मिलेगा उसके साथ ही, जो आपको प्लग इन करना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा अगर आप वाईफाई यूज़ करोगे रेगुलर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलती है। सो इथरनेट केबल मिलती है आपको। सो ये छोटी है, अगर आप गेमिंग करते हो आपका पीसी साइड में ही है राउटर के, अब तो आप राउटर अपने पीसी के साइड में रखोगे तो आसानी से इसे लगा के गेमिंग कर सकोगे, वरना ये कुछ काम के लिए आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। और ये रहा एडाप्टर। सो राउटर को देखते हैं, अच्छे से पैक रहे। इसकी कुछ ऐसी फिनिश है, काफ़ी स्टाइलिश है और कॉम्पैक्ट भी दिखता है।
यहाँ पे जो आपको LED इंडिकेशन के साथ आते हैं, इसके ऊपर ही लाइट है, मतलब जो पिछला राउटर था उसके अंदर से लाइट आती थी, इसके ऊपर से आपको देखना पड़ेगा। और ये है वो एंटीना, ये जो होता है। और पीछे की बात कर ले तो यहाँ पे आपको पावर बटन मिलता है, तो आपको पावर केबल जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो है गीगाबिट पोर्ट है, लैन पोर्ट, और ये जो है आपके लैन पोर्ट्स है, चार लैन पोर्ट्स मिलते हैं। इथरनेट केबल लगा के आप अपने कंप्यूटर या टीवी उसको कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो है रीसेट या WPS बटन मिलता है। सो ये जो है ये हमने अभी मंगाया था, और ये पुराना है, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। सो अगर लुक की बात करें तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा दिखता है, इसका फिनिश जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। और कॉन्टैक्ट तो यही दिखता है, काफ़ी अच्छे फिनिश के साथ आता है। ये दोनों ही डुअल बैंड है, बस ये 4 एंटीना है और ये 3 एंटीना, और इसके अंदर और एडिशनल फीचर्स है थोड़ा प्राइस देखें। सो ये मुझे बड़ा 2500 के करीब या 450 के करीब, और ये जो था ये 1500 का था। सो 1000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन ये जो है वैसे ही फीचर्स प्रोवाइड करेगा आपको। और आई बटन पे आ रहा होगा आपको, सो मैंने इसे टेस्ट भी किया है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय।